Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any videos from my channel. Hi guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी उत्तपम रेसिपी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बारीक सूजी, दैट इज सेमोलिना, 1/2 कप कर्ड, 1/2 कप वाटर, 1 ग्रेटेड कैरेट, 1 फाइनली चॉप टोमेटो, 1 फाइनली चॉप ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, 1 फाइनली चॉप अनियन, सॉल्ट एज पर टेस्ट. रेडी करेंगे तो इस बोल में मैं डालूंगी सूजी, नेक्स्ट कर्ड, वाटर एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट. अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे. तो गाइस, इस बैटर को हमें 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ना है, उसके बाद हम इसके उत्तपम बनाएंगे. 20 मिनट्स के बाद मैंने बैटर चेक किया था और उसमें मैंने अराउंड 1/4 का पानी और ऐड किया है. आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए. यहाँ पे हम एक नॉन स्टिक पैन रख देंगे और इसे हम थोड़ा सा ऑयल और घी के साथ ग्रीस करेंगे. जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा हम इसमें उत्तपम बनाएंगे. यहाँ पे मैं मिनी उत्तपम बना रही हूँ. अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे, अनियन, ग्रेटेड कैरेट, चॉप टमेटोज, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे. अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और वेजीज को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसके चिपकते हैं. तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है साइड से चेंज हो गया है. अब हम इसे कलर रेडी नाउ, इट्स टाइम टू टेक इट आउट. तो फ्रेंड्स, उत्तपम इज रेडी. आप उत्तपम को कोकोनट चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं. आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.